ये भी अच्छा, ये भी यूज किया होगा, ये भी अच्छा, बट ओवरऑल थोड़ा सा हाइब्रिड करेंगे तो इसके अंदर ये मतलब बढ़िया रहेगा। हाँ हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये है मेरा दोस्त कुंदन और हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल से। कैसे मिले थे ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी हमारा एक व्लॉग शुरू होने वाला है। डिकैथलॉन जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको जैसे पहले गया था वैसे ही विजिट करके मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। साथ में फुटबॉल भी खरीदनी है, बाकी और कुछ अच्छा लगेगा तो मैं कोशिश करूंगा खरीद के रिव्यू वगैरह कर पाऊँ। और फुटबॉल का रिव्यू तो आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड जैन अंकल मिल गए हैं और ये भी हमारे साथ चलेंगे, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, तो हम निकाल रहे हैं तो बाकी का आपको दिखाते हैं। कंटिन्यू। तो गाइस, पिछले व्लॉग में मैं आपको हर प्रोडक्ट का थोड़ा डीपली नहीं बता पाया था, बट इस बार मैं ट्राई करूंगा आपको प्राइसेस वगैरह सब कुछ बताऊं और लोकेशन वगैरह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस व्लॉग को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कई लोगों को इंटरेस्ट था कि आप लोग डिकैथलॉन की लोकेशन और प्राइसेस वगैरह और क्वालिटी से आपको बताना था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला और काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को और मैं पहुँचने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये रहा बिल्डिंग और ये रहा इसके अंदर डिकैथलॉन, आपको ब्लू कलर का दिख गया होगा। गाइस हियर वी आर और इस टाइम हम जाते हुए डिकैथलॉन की तरफ, मेरे साथ और कुछ लोग भी आए हैं साथ में। तो गाइस डिकैथलॉन हमारे कंट्री में कई सिटीज़ में है, बाकी अगर आपकी सिटी में नहीं है तो आप ऑनलाइन डिकैथलॉन ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी स्टोर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके और यहाँ पर आप जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं और वहाँ पर आपको कई तरह के हर स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो गाइस ये आ गया है फुटबॉल सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पे पंप भी रखे हुए हैं ऊपर और ये 5 साइज फुटबॉल है। और ये जो फुटबॉल मैं अभी देख रहा हूँ ये है F500 जो मैं लेने की सोच रहा हूँ। अभी ये जो ऑरेंज वाली है ये दूसरी है और ये F300 है शायद, आई गेस, बाकी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ गाइस डिटेल में। ये 5 साइज फुटबॉल है सारी और ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैं हो सकता है कि ये वाली बॉल ले लूँ, आपको दिखाऊँगा अभी डिटेल में, आपको बताता हूँ गाइस। ये सही लग रहा है मुझे तो, कलर रेड वाला भी सही है। तो भाई जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लेडर्स और कॉन्स भी मिल जाएंगे अलग अलग साइज के, एजिलिटी लेडर भी मिल जाएगा और ये आप देख सकते हो शिन गार्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस और प्राइसेस भी आप देख सकते हो साथ ही लगे हुए हैं। इसके अलावा गाइस आप डिकैथलॉन ऐप पे भी चेक कर सकते हो, वैसे ये उस टाइम का स्टोर प्राइस था और हो सकता है ये अप डाउन हो थोड़ा बहुत, बाकी बॉल आ गई तो स्किल भी कर दिया। और ये देख लीजिएगा इस शूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था और ये जो इनका शू है सबसे मतलब काफ़ी लाइट वेट है गाइस, मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने भी ये लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा शू लगता है। तो गाइस ये है किप्स्टा एजिलिटी 900 और मेरे फ्रेंड्स भी कई इसको यूज़ करते हैं, मैं तो 100 यूज़ करता हूँ, बट हाँ 100 भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट में दिख जाएगा। बट ये भी काफ़ी सही शूज़ है, 4000 के अराउंड इसका प्राइस है। और आप देख सकते हैं इस सॉक्स भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सॉक्स है यहाँ पर, अगर आप लेने की सोच रहे हो तो काफ़ी सही चलेंगे। बाकी इसके अलावा आपको और शूज़ मैं दिखाता हूँ, बाकी सॉक्स के कलर भी बहुत सही है यार और प्रॉपर आपको अच्छी क्वालिटी की सॉक्स यहाँ से मिल जाएंगी। बाकी देख लीजिए आप, ब्लैक में भी है, नियॉन में भी है अलग अलग कलर्स की। और ये टी शर्ट जर्सी वगैरह और कोन्स और मार्कर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। इसके अलावा इसके बैग्स भी काफ़ी सही है, बैग मैं भी यूज़ करता हूँ और ये किड्स के लिए गाइस काफ़ी अच्छा, काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन और वेल मेड शू है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा ये देख लीजिए कोन्स दोबारा देख लीजिए, मुझे मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल के लिए भी लेने की, बट ये देखते हैं फिर कभी। बाकी शिन गार्ड काफ़ी सही लगे, साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी सही है अंदर से फॉर्म वाले। बाकी आप ऑनलाइन एक बार ऐप पे ज़रूर चेक करना, अगर घर के पास आपके डिकैथलॉन स्टोर है तो जा सकते हैं। बाकी मार्कर्स आपको ये देख सकते हैं 99 रुपीज़ में फिलहाल का ये प्राइस है, बाकी आप ऑनलाइन एक बार ऐप में चेक कर सकते हैं। और एजिलिटी लेडर्स भी यहाँ पर मिल जाएगी जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये आप प्राइसेस देख लीजिए, मैं आपको प्राइसेस भी शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉज करके देख लीजिएगा। गाइस इसमें से कई फुटबॉल्स आपने मेरी वीडियो में देखी होगी और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फाइव साइज़ फुटबॉल्स है सारी और मैं आपको दिखाता हूँ ये F900 जो मेरे आपने वीडियोस में देखी होगी पहले भी कभी, और मैं लेने भी वाला हूँ इनमें से एक बॉल। और आप देख सकते हैं नया लॉन्च शू है ये, काफ़ी लाइट वेट और एंकल प्रोटेक्शन के साथ आपको मिल जाएगा, काफ़ी सही है यार, काफ़ी अच्छा फील है इसको पकड़ने में, पहनने में तो मज़ा ही आ जाएगा। गाइस आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके आसपास स्टोर है, नहीं तो ऑनलाइन देखें आप, काफ़ी सही है। बाकी ये जो शू है ये थोड़ा सा इससे लोअर रेंज में है और इसके स्टड्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं काफ़ी क्लासी लग रहा है लुक में भी और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। बाकी आप ऑनलाइन ऐप पे चेक कर सकते हैं, अपीयरेंस मैंने आपको दिखा दी है। बाकी ये जो फुटबॉल है ये F900 मैंने पहले भी यूज़ की हुई और काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये है F500 का रेड कलर वाला फुटबॉल, अलग अलग कलर्स में है गाइस, क्वालिटी भी काफ़ी सही है मतलब इन बॉल्स की, ये तो मैं सोच रहा हूँ ले ही लूँगा आज, बाकी देखते हैं। येलो कलर में भी गाइस काफ़ी सही लग रही है, मतलब अलग अलग कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाकी देखो सोचना वाइट ही लूँगा, लेट्स सी गाइस।
और ऑरेंज भी काफ़ी सही लग रही है। ये इससे थोड़ा सा लोअर वर्जन है, ये आपको 600 रुपीज़ के अराउंड की पड़ जाएगी। 600 to 700 में देखता हूँ अप डाउन होता है, फाइनल कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आपको कौन सा किस टाइप का चाहिए आपको। बाकी देखो सर, ये वाला ऐप 300 यूज़ किया हुआ मैंने, बट अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा बहुत अगर आप अपग्रेड करेंगे ये 700 के आसपास पड़ेगा, थोड़ा बहुत 1000 अगर रेंज में जाएंगे ये मतलब इस टाइम देखा जाए तो बेटर है। अच्छा, इस टाइम अगर देखिए अच्छा कितना प्राइस बताया ये मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास पड़ेगा, और ये 600-700 के आसपास का पड़ेगा, अलग अलग कलर भी इसमें येलो रहेगा। 1000 मेरा चलेगा तो ये मैं तो मैं खुद ये लेने आ रहा हूँ, फिर मेरे चैनल भी यूट्यूब पे द फुटबॉल क्लासरूम 37,000 सब्सक्राइबर है। आप उसी के लिए शूटिंग ले रहे हैं? हाँ, मतलब एक टाइप से अपने व्यूअर्स के लिए है ना, ब्लॉग टाइप में डिमांड की, तो अगर आपको लेना देखो सिस्टम ये भी अच्छा है, ये भी यूज़ किया होगा, ये भी अच्छा, बट ओवरऑल थोड़ा सा हाइब्रिड करेंगे तो इसके अंदर ये मतलब बढ़िया रहेगा। हाँ, और इसमें आप देखो अलग अलग कलर भी मिल जाएगा, रेड में, ऑरेंज में। थैंक यू। तो कैसे बात करते हैं प्राइसेस की, आप देख सकते हैं टैग्स पे और F100 एजिलिटी शूज़ तो मैं यूज़ कर भी रहा हूँ, और आप पॉज करके देख लीजिए सबके प्राइसेस और ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे शूज़ है सारे, मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे, मुझे भी काफ़ी सही लगे, और आप देख सकते हैं प्राइसेस इनके। आपके आसपास स्टोर्स होंगे, दिल्ली में हैं, गाज़ियाबाद में हैं, नोएडा में हैं, बाकी अलग अलग स्टेट्स में, अपना जीरकपुर में, चंडीगढ़ में, बाकी ऑनलाइन आप एक बार ज़रूर चेक करें, आपके आसपास अगर स्टोर है तो आप विजिट करें, काफ़ी अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने भी फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद इनके काफ़ी प्रोडक्ट्स खरीदे और काफ़ी मुझे अच्छे भी लगे। बाकी आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल